जी 12th क्लास। यस बेटा, आप में से कुछ की डिमांड पर मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकंड डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का आजकल, और उसका मैं आज टॉपिक लेने लगी हूँ बेटा वेक्टर अलजेब्रा के जो उसमें क्वेश्चन है वो डिस्कस करने लगी हूँ। व्हाट आर दिस क्वेश्चंस? यस, फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई माइनस जे होल स्क्वायर। वेक्टर आई जे यू ऑलरेडी नो दीज आर यूनिट वेक्टर्स। अब आपको इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आप क्या करते हैं बेटा, जब हमने मैग्नीट्यूड यूज करना है और उसका स्क्वायर दे रखा है, तो यू ऑलरेडी नो, लेट मी जस्ट राइट दैट रिलेशन। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, दिस सिंपली मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, राइट? और हमें पता है कि हम वेक्टर्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर बिल्कुल फॉर्मूले वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहां अगर देखो बेटा, हमें जो पूछा है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस मींस वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे, ओके? इसको ही हम वेक्टर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर भी लिख सकते थे, डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते थे। अब इसको अगर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर करके कैलकुलेट करो तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर माइनस टू इंटू आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड आई हमें पता है वन होता है बेटा, ये वन हो गया। आई डॉट जे, आई और जे में एंगल 90 डिग्री का, ठीक है? आई डॉट जे की अगर आपने डेफिनेशन की, ओके लेट मी जस्ट रिकॉल यू द डेफिनेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट? और आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एंगल 90 डिग्री। तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड आई इंटू मैग्नीट्यूड जे इंटू कॉस 90 डिग्री, राइट? बाय डेफिनेशन, एंड मैग्नीट्यूड जे इज अगेन वन, सो दिस इज वन, एंड कॉस 90 क्या होता है बेटा? जीरो, जीरो। तो ये कंप्लीट फैक्टर आपका जीरो बन गया, ये वन प्लस वन, एंड दिस इज ओके। लेट मी जस्ट राइट वंस, मैग्नीट्यूड आई इज वन, मैग्नीट्यूड जे इज वन, एंड कॉस 90 इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज वन। टू माइनस जीरो, दैट मीन्स टू, टू इज इट्स वैल्यू, ओके? चलिए, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, वन मार्कर। यस, इफ ए इज ए यूनिट फैक्टर एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस डॉट ए इज इक्वल टू 99, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स। सिंपल क्वेश्चन बेटा, बुक में भी है आपके सच क्वेश्चन। सेम हम आइडेंटिटी ही यूज कर लेते हैं अलजेब्रा की, या आप वन बाय वन बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल भी कर लेंगे बेटा, तब भी आपका वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ओके? चलिए मैं एक बार सिंपल डायरेक्ट कर देती हूँ इस बार, ये एक्स डॉट ए एक्स, ठीक है? एक्स डॉट ए हम वन बाय वन कर रहे हैं, ठीक है? एक्स वेक्टर को सेकंड वेक्टर से कर रहे हैं कंप्लीट। माइनस ए डॉट एक्स, माइनस ए डॉट ए, ठीक है? वन बाय वन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज हम इसे क्या लिख सकते थे, बिल्कुल मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और वन और टू मार्क्स में यही लिखना चाहिए बेटा, यही लिखना चाहिए। बट स्टिल हर टाइप के आप स्टूडेंट्स हैं, किसी को भूल जाता है, किसी को कुछ, अगर आप डायरेक्टली भी करते हैं तो आपको करना आता हो, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। एक्स डॉट एक्स मीन्स वेक्टर एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट ए एंड ए डॉट एक्स सेम है, वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो आपका x डॉट ए ये है, और a डॉट एक्स भी एक्चुअली x डॉट ए ही है, तो ये सेम प्रोडक्ट अपोजिट साइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज वन, बिकॉज a इज अ
यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये दिया हुआ है. सो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज 99 एंड मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर विल बी नाउ 99 प्लस 1 दैट मीन्स 100 दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एक्स इज नथिंग बट 10. सॉरी एक्स स्क्वायर रूट करना है जस्ट हमें राइट साइड का दैट इज 10. ओके मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर इज 100 सो मैग्नीट्यूड एक्स इज 10. सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये भी रेगुलर क्वेश्चन था बेटा. Yes, if A is this vector, B is this vector and C is this vector, then find the projection of B plus C along A. Projection of a vector along another vector, that means scalar projection puchiye beta. Simple aapko recall karwaun. Projection of vector A along another vector B. Kaise aap calculate karte the? Vector A dot unit vector along B. जिसके डायरेक्शन में आपको निकालना है, जिसको हम कन्वर्ट करके ध्यान रखते थे ए डॉट बी, इसको डिवाइड करना मैग्नीट्यूड बी से, दैट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मैग्नीट्यूड. इस ढंग से हम कैलकुलेट करते थे. चलिए यहां देखते हैं, यहां हमें बी प्लस सी चाहिए बेटा. बी प्लस सी का अलोंग ए कैलकुलेट करना, तो बी प्लस सी को चलिए मैं डी नेम दे देती हूँ. B प्लस सी कैलकुलेट करेंगे, B इज I प्लस 2J माइनस 3K एंड C इज 2I माइनस J प्लस 4K. इसको ऐड कर दे बेटा, 1 प्लस 2 3I, 2 माइनस 1J ओनली माइनस 3 प्लस 4K ओनली, ठीक है. अब इस वेक्टर का अलोंग A ये प्रोजेक्शन चाहिए. Therefore, projection of B plus C, जो हमें पूछा है, हम वही लैंग्वेज लिखते हैं एक बार, along A. हम कैलकुलेशन में वो यूज कर लेंगे जो हमें चाहिए. D लिख दिया हमने B plus C को. D dot vector A divided by magnitude of vector A, जिसके along कैलकुलेट करना है बेटा, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए. ये केयरफुल है ना, यहाँ बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं. चलिए डी हमारा वेक्टर था 3i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट ए से चाहिए, ए इज 2i माइनस 2j प्लस के. बट हर डिजिट हर साइन केयरफुली कॉपी करिए बेटा, क्वेश्चन पेपर से ऊपर से नीचे कहीं भी कॉपी करना है केयरफुली कॉपी करिए. छोटी छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती है पूरा. दिस इज मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई माइनस 2j प्लस के. डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? कंपोनेंट वाइज, ठीक है. कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. न्यूमरेटर में हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. 3 × 2 = 6, 1 × −2 − 2, 1 × 1 = 1, ठीक है. और मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वेयर 2² 4, वाई कंपोनेंट स्क्वेयर −2² 4, जेड कंपोनेंट स्क्वेयर 1² 1, ओके. तो ये हमारा स्क्वेयर रूट 9 हो गया, विच विल बी 3 डेफिनेटली. एंड न्यूमरेटर में हो गया हमारा 6 − 2 = 4, 4 + 1 = 5. सो न्यूमरेटर में 5, डेनोमिनेटर में 3. दिस इज द प्रोजेक्शन विच इज आस्क्ड. ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा.